महासंग्राम 2024 से जुड़ी बड़ी खबर के साथ करते हुए लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता दें। पहले चरण के लिए कल मतदान किया जाएगा। राजस्थान में कल कुल 12 सीटों पर वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। बीजेपी और कांग्रेस ने जीत का दम भरा है। कई सीटों पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कुल 12 सीटों पर 114 उम्मीदवार उतारे गए। 102 पुरुष इनमें शामिल हैं और जबकि 12 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। पहले चरण में 22,88,000 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। 8,00,000 नए युवा मतदान करेंगे। प्रदेश में 23,651 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर कल मतदाता पहुंचेंगे और अपने मतों का प्रयोग करेंगे। तो कल है लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जिसे लेकर बेहद उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं। तो प्रदेश में लोकसभा की 12 सीटों पर कल पहले फेज की वोटिंग होने जा रही है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग के प्रक्रिया की शुरुआत होगी और शाम के 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। पहले फेज में श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण और जयपुर अलवर सहित अलग अलग सीटों पर मतदान होगा। और राजस्थान के रण में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गरजेंगे। यह बड़ी खबर आपको बताते चले। दूसरे चरण के प्रचार में मोदी और शाह फिर से हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी 21 अप्रैल को राजस्थान का दौरा करेंगे। पीएम भीनमाल में 11 बजे जनसभा करेंगे तो वहीं बांसवाड़ा में 1 बजे सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं अमित शाह 2 दिन के दौरे पर राजस्थान पहुंच रहे हैं। शाह कल शाम 4 बजे भोपालगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और कल शाम 6 बजे उदयपुर में रोड शो करेंगे। अमित शाह 20 अप्रैल को 10 बजे भीलवाड़ा में सभा करेंगे। शाह 20 अप्रैल को दोपहर 12 बजे कोटा में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो लगातार चुनाव से पहले दिग्गजों का दौरा हो रहा है। राजस्थान के रण में कई दिग्गज ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं राजस्थान के रण में बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरे चरण के प्रचार में कई दिग्गज हुंकार भरेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी प्रदेश का दौरा कल करेंगे। नायब सैनी बालोतरा में सभा करेंगे, मंडोर में रोड शो भी करेंगे। 20 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश दौरा प्रस्तावित है। सीएम योगी निम्बाहेड़ा में 12 बजे जनसभा करेंगे तो वहीं ब्यावर में 2 बजे सभा को संबोधित करेंगे जबकि शाम के 4 बजे जोधपुर में रोड शो भी करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। और चूरू के सादोलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सादोलपुर में लोकसभा चुनाव में ड्यूटी पर आए कार्मिक ताराचंद की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पोलिंग पार्टी रवाना करते समय वन विभाग का कर्मचारी बेहोश होकर गिर गया। उपखंड अधिकारी और तहसीलदार ने एम्बुलेंस की सहायता से कार्मिक को अस्पताल पहुंचा दिया है जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सादोलपुर चुनाव ड्यूटी के दौरान ये पहुंचे थे जहां पर अचानक से तबीयत खराब हुई और उसके बाद तुरंत एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर डॉक्टर्स ने इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि आखिर ये मौत कैसे हुई, तबीयत क्यों खराब हुई, लेकिन तस्वीर आप देख पा रहे हैं चुनावी ड्यूटी पर इन्हें तैनात किया गया था और जब ड्यूटी के लिए ये पहुंच रहे थे उसी दौरान अचानक से इनकी तबीयत खराब हुई, ये गिर पड़े और उसके बाद इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या हो गया था मनोज वहां पर? जी मैं बताना चाहूंगा कि जो सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र है यहाँ जो पोलिंग पार्टियां है वो रवाना होनी थी उससे ठीक पहले जो वन विभाग का बेलदार पद पे जो कार्यरत कर्मचारी है ताराचंद उसकी तबीयत बिगड़ी थी और अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां तकरीबन 2 घंटे तक उनका उपचार चला। उसके बाद उनकी मौत हो गई और जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी वहां अस्पताल पहुंचे थे और सीएमएचओ मनोज शर्मा है उनके वहां पहुंचने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। जो हर्जगति रुकना है वो इसका प्रारंभिक जो कारण है वो बताया जा रहा है। ठीक है मनोज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। और जोधपुर से मिल रहे एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी को विरोध का सामना करना पड़ गया। बुजुर्गों ने करण सिंह के सामने जय श्री राम के नारे लगाए। करण सिंह और बुजुर्गों के बीच इस दौरान जमकर बहसबाजी हुई।
सोशल मीडिया पर बहस का वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये वीडियो देखिए जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी को भारी विरोध का सामना करना पड़ गया और बुजुर्गों ने करण सिंह के सामने जय श्री राम के नारे लगाए तो वहां पर बहसबाजी शुरू हो गई। सुनाते हैं क्या पार्टी जो अयोध्या राम मंदिर के विरोधी है, हम उसके विरोधी है जो मुसलमानों के। या तो आप मेरे को राम के बारे में, माँ भगवती के बारे में, व्यक्ति विशेष से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अरे सुन लो पार्टी, चाहे जो पार्टी जो अयोध्या राम मंदिर के विरोधी है, हम उसके विरोधी है। जो मुसलमानों के पक्षधर है, हम उसके विरोधी है। जो सनातन धर्म के विरोधी है, उसके विरोधी है। या तो आप मेरे को राम के बारे में, माँ भगवती के बारे में, व्यक्ति विशेष से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अरे आप भ्रम रहे हो, सुन लो पार्टी, चाहे जो पार्टी जो अयोध्या राम मंदिर के विरोधी है, हम उसके विरोधी है। जो मुसलमानों के पक्षधर है, हम उसके विरोधी है। जो सनातन धर्म के विरोधी है, उसके विरोधी है। जय जय। या तो आप मेरे को राम के बारे में, जय जय श्री राम। तो करण सिंह है ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में उन्हें उतारा गया है और उसी दौरान जब वो अपने लिए वोट मांगने पहुंचे तो बुजुर्गों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। बुजुर्ग को भी आपने सुना जो कह रहे हैं कि हमें किसी व्यक्ति विशेष से कोई दिक्कत नहीं है, हमें उनसे दिक्कत है जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं। सहयोगी रंजन हमारे साथ जुड़ गए। रंजन, साफ तौर पर कहा तो यही जा रहा है कि व्यक्ति विशेष से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत तो उनसे है जो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। तो खुलकर बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं लोग वहां पर। देखिए, जिस तरीके का ये घटनाक्रम सामने आया है और लगातार इससे पहले भी ऐसे कई वाक्य सामने आए हैं जिसमें कि सनातन के विरोधियों और विशेषकर कांग्रेस पार्टी निशाने पर रही है और विशेषकर जिक्र उस बात का होता है जिसमें कि राम को काल्पनिक पात्र मानकर के जो पार्टी के द्वारा हलफनामा पेश किया गया था, उसको लेकर के लोगों में आज भी इस बात का रोष है और वो रोष कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को न सिर्फ जोधपुर बल्कि अन्य जगह भी झेलना पड़ रहा है। और उसी की वानगी आज यहाँ जोधपुर के अशोक उद्यान में भी देखने को मिली, जहां सवेरे प्रचार के दौरान करण सिंह उचियारा वहां पहुंचे थे और जिस तरीके से मैदान में जैसे वे लोगों के पास पहुंचे, लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए हैं और नारे लगाने के साथ अपनी नाराजगी जो है कहीं ना कहीं व्यक्त की है। लोगों का स्पष्ट कहना था कि व्यक्ति से हमारी किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। जोधपुर के बारे में मैं यहाँ एक बार और स्पष्ट करना चाहूंगा कि जोधपुर अपनायत का शहर है, यानी कि लोगों का आपसी मेल जोल जो है एक मिसाल के रूप में यहाँ देखी जाती है और ऐसे मिसाल के रूप में लोगों की जो भावनाएं हैं वो अपने आराध्य इष्ट देव से जुड़ी है। बीते दिन भी एक पोस्टर जो था वो यहाँ चर्चा का विषय रहा था और लोगों को इस बात को लेकर अचरज हुआ था कि लगातार जो पार्टी विरोध में थी वो अब वो वोट के लिए इस तरह की बात कर रही है। और राम नाम को बनाने की कोशिश तो अब कांग्रेस भी कर रही है और श्री राम के प्रति अपनी आस्था भी प्रकट कर रही है। जिस पोस्टर का जिक्र कर रहे हैं वो काफी सुर्खियों में भी है, हालांकि बीजेपी ने इसे लेकर खूब पलटवार किया, कटाक्ष भी किया। अब देखना है कि इस पूरे मामले पर सियासत कहां तक जाती है। बहुत शुक्रिया आपका रंजन तमाम जानकारियों के लिए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आप मेरे को, मैं तो खुद राम भक्त हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात। एक मिनट सुनो, जय श्री राम, जय श्री राम। विशेष से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अरे आप भ्रम रहे हो, सुन लो पार्टी, चाहे जो पार्टी जो अयोध्या राम मंदिर के विरोधी है, हम उसके विरोधी है। जो मुसलमानों के पक्षधर है, हम उसके विरोधी है। जो सनातन धर्म के विरोधी है, उसके विरोधी है। जय जय। या तो आप मेरे को राम के बारे में, माँ भगवती के बारे में। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्य सचिव सुधांश पंत एक्शन मोड में हैं। आज सुबह 10 बजे मुख्य सचिव सुधांश पंत विद्युत भवन पहुंचे, जहां उन्होंने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आईएएस नथमल डिटेल को देर से दफ्तर आने पर फटकार लगा दी। उन्होंने कहा कि स्कूल में भी टाइम से जाते थे या वहां भी लेट पहुंचते थे।
आज करीब एक घंटे में विद्युत भवन में रहा, 9:15 से लेके करीब 10:15 बजे सुबह तक। तो अभी यहाँ सुधार की और गुंजाइश महसूस होती है, पंक्चुअलिटी में भी और फाइल डिस्पोजल में भी। कुछ अधिकारियों का फाइल डिस्पोजल टाइम थोड़ा अधिक है, उनको हिदायत दी है, एमडी साहब को भी कहा गया, अपने ऑफिसर्स के ज़्यादा अच्छी मॉनिटरिंग करेंगे। कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जिनका काफ़ी संतोषजनक फाइल निस्तारण है, तो जिनका अच्छा है वो तो उनको प्रेरित किया कि थोड़ा और सुधार कर लें, क्योंकि एक सतत प्रक्रिया है, हम लोग कोशिश करते हैं निरंतर इम्प्रूव करने की। और जिनका थोड़ा ऐसा पाया गया कि फाइलें थोड़ी लंबे समय से पेंडिंग रहती हैं, 19 घंटे 20 घंटे जिनका एवरेज है, उनको कहा गया थोड़ा सुधार करने का।